रात को सोने से पहले इसे अपने बालों में लगा लो। बाल सुबह 3 से 5 इंच तक लंबे हुए। नमस्कार, 15 दिनों में बालों को 2 गुना बनाएगा ये उपाय। दोस्तों, आज की वीडियो इतनी अमेजिंग है कि आपके छोटे रुके हुए बालों की लंबाई बढ़ाएगी, जिससे बाल आपके तेजी से काले लंबे घने होंगे। इसके लिए तेल में आपको केवल 2 ही चीजें डालनी है। आप कोई सा भी ऐसा तेल ले सकते हैं जिसका प्रयोग आप अपने बालों पर घर पर करते हैं, और उसमें सिर्फ आपको ये 2 चीजें मिलानी है, और फिर देखिए आपको कैसे अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इस रेमेडी के 15 दिन के इस्तेमाल से दोस्तों आपको अपने बालों में ग्रोथ देखने को मिलेगी, आपकी हेयर ग्रोथ डबल होगी, रूखे बेजान बाल ठीक होंगे, और बालों पर एक ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर बनेगी जिससे आपके बालों में शाइन बनी रहेगी और बाल धूप से खराब भी नहीं होंगे। तो चलिए आइए जानते हैं इस उपाय को आपको कैसे बनाना है। इस उपाय के लिए मैंने दोस्तों यहाँ पर पहली चीज जो ली है वो है ये लौकी। घर पर तो दोस्तों हमने लौकी की सब्जी बहुत खाई है, क्योंकि हमारे शरीर पर ये कितनी असरदार होती है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन बालों के इसके ऐसे फायदे हैं जो आप भी जान लीजिए। लौकी में दोस्तों पाए जाने वाला विटामिन बी एक कूलिंग इफेक्ट की तरह काम करता है, जिससे हमारी स्काल्प ठंडी रहती है और बालों में फिजीनेस यानी कि उलझे हुए बालों की समस्या, साथ ही साथ डिसकलरेशन को ठीक करके हमारे बालों को नेचुरली काला करता है। यानी कि जिन लोगों के बाल धूप से या पोल्यूशन से ड्राई होने लगे हैं या ग्रे होने लगे हैं, लौकी के जूस से दोस्तों उनके बाल काले बनेंगे। आपको इस तरह से लौकी लेनी है और इसे पानी से धोकर आपको इसे कुछ इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काटना है। इंग्लिश में दोस्तों लौकी को बोटल गोट कहा जाता है, और इस लौकी का रस बालों का झड़ना टूटना कम करता है। आपको दोस्तों यहाँ पर इस तरह से इसके 5 से 6 स्लाइस काट कर इन्हें दोस्तों हम ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड कीजिए, और ग्राइंड करने के बाद ये दोस्तों इसका एक पेस्ट हमें मिलेगा और आपको इसका रस निकालना है। इसे दोस्तों हम छन्नी से छान सकते हैं, या फिर आप चाहे तो कोई भी ऐसा कपड़ा ले सकते हैं उससे आप इसे छान सकते हैं। मैं यहाँ पर देखिए छन्नी से इसका जूस निकालूंगा, और एक खाली कटोरी में इस तरह से लौकी का रस निकाल लीजिए। हमने दोस्तों यहाँ पर एक कटोरी में इसका रस लिया है, और एक बार के लिए आपको यहाँ पर 4 से 5 चम्मच के बराबर लौकी का रस लेना है। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेंगे कोई भी ऐसा तेल जिसका प्रयोग हम घर पर करते हैं। मैंने दोस्तों यहाँ पर सबसे अच्छा और सबसे सस्ता तेल लिया है, वो है ये नारियल का तेल। आप देखिए कोकोनट ऑयल हर किसी के घर में होता है, आप चाहें तो किसी किराना स्टोर से ला सकते हैं अगर आपके पास नहीं है, और आपको यहाँ पर कोकोनट ऑयल के 2 चम्मच इस तरह से ये नारियल का तेल इस लौकी के रस में डालना है। और इसके बाद आपको तीसरी चीज़ जो कि आखिरी चीज़ है वो है ये कैस्टर ऑयल, जिसे हिंदी में हम अरंडी का तेल कहते हैं। कैस्टर ऑयल दोस्तों हमारे बालों के ऊपर एक ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, जिससे बालों में शाइन बनी रहती है, और धूप से होने वाला नुकसान या पोल्यूशन से बालों के झड़ने की समस्या इससे रुक जाती है। इसी के साथ साथ कैस्टर ऑयल हमारे हेयर फॉलिकल्स को मोटा बनाता है, यानी कि जिन लोगों के बाल बहुत पतले हैं वो बड़े नहीं हो रहे या मोटे नहीं हो रहे, कैस्टर ऑयल के इस्तेमाल से उनके बालों की लंबाई भी बढ़ेगी और वो घने भी होंगे, जिससे उनका टूटना बंद होता है। आप दोस्तों कैस्टर ऑयल किसी भी मेडिकल स्टोर से 30 से 40 रुपए में ला सकते हैं, और एक बार के लिए हमें सिर्फ इसका 1 चम्मच जो है कैस्टर ऑयल इस तेल में मिलाना है। ये कैस्टर ऑयल दोस्तों आपका बहुत लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि एक बार के लिए हम सिर्फ इसका 1 चम्मच इस्तेमाल करेंगे, और फिर दोस्तों हम चम्मच लेकर इसे अच्छे से फेंटेंगे। आप दोस्तों इसे तब तक अच्छे से फेंटिए जब तक ये जो लौकी का रस है इस तेल में अच्छे से ना मिल जाए, और जब ये मिक्स हो जाएगा तो ये जो हमारा नुस्खा तैयार होगा ये दोस्तों आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। इस नुस्खे का इस्तेमाल दोस्तों आपको बालों पर कैसे लगाना है, इसकी मालिश कैसे करनी है, जिससे बाल आपके काले मोटे और घने बनेंगे, आइए देखते हैं। इस रेमेडी का इस्तेमाल दोस्तों आपको अपनी बालों की जड़ों पर लगाते हुए अपने बालों के ऊपर तक करना है। यानी कि आपको क्या करना है कि पहले हम यहाँ पर इस रेमेडी को लेंगे और इसे अपने बालों की जड़ों पर अच्छे से मसाज करेंगे, और फिर आपको इसे अपने बालों के ऊपर भी लगाना है। इसमें दोस्तों हमने लौकी का इस्तेमाल किया है, जिसका रस आपकी बालों की जड़ों में जाएगा, उसमें अच्छे से समा जाएगा और अपना काम करेगा, और अरंडी का तेल आपके बालों के ऊपर लगने से एक ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर बनाएगा, जिससे बालों पर शाइन बरकरार रहेगी, बाल रूखे और बेजान नहीं बनेंगे, और धूल मिट्टी में जाने से भी आपके बालों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस उपाय का इस्तेमाल दोस्तों आपको रात को सोने से पहले करना है, और बालों में लगाकर कुछ इस तरह से इसकी हल्के हाथों से मसाज करनी है, और फिर सुबह उठकर बालों को धो लेना है। हफ्ते में दोस्तों इस उपाय का इस्तेमाल हम 2 बार अपने बालों पर करेंगे। आप अपने बालों की जड़ों पर और बालों पर हफ्ते में 2 बार भी इसे लगाएंगे तो 15 दिनों में दोस्तों आप देखेंगे आपके बालों के बढ़ने की रफ्तार 2 गुना तक हो जाएगी, जिससे आपके बाल मोटे घने तो होंगे ही, साथ ही साथ इसके इस्तेमाल से आपके बालों पर एक ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर बनेगी जो बालों को काला और शाइनी बनाकर रखेगी और बाहरी नुकसान से आपको बचाएगी। आज की जानकारी बस यहीं तक थी। पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों में भी शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।